मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है और एक बार गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। और जिस दिन छुट्टी रहता हूँ, क्या यहाँ की गुड़ बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो हम मेरा खाना भी बनकर तैयार हो गया है और मैंने इसमें हरी सब्जी है, हरी सब्जी अभी मैंने गर्म करने के लिए रख। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन पहाड़ों से मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। और मेरे गांव का नाम है कोटमा। कोटमा पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे केवल कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है आज। और ऐसे लग रहा है ना जैसे सावन का महीना स्टार्ट हो गया होगा। और मैं अभी नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन बाल नहीं धोए। बाल आज संडे है ना, तो संडे को हम लोग बाल नहीं धोते हैं। तो मैंने साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ और इसके बाद मैंने कपड़े धोने हैं, अपने लिए नाश्ता तैयार करना है। तो चलिए जी अपने काम पे लग जाते हैं और पहले मौसम का हाल चाल भी दिखा लेते हैं आपको कि मौसम कैसा है। बाकी आप लोग मौसम देख सकते हैं कि पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और नीचे कोहरा लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आज भी मौसम सही नहीं रहने वाला है और ऐसे लग रहा है ना जैसे सावन और भादों का महीना लगा होगा, यानी जुलाई और अगस्त का महीना लग रहा है आज, क्योंकि पूरी तरफ कोहरे से चम हो रखा है, बंद हो रखा है। चम का मतलब बंद हो रखा है। और ऊपर केदार घाटी की पहाड़ियों पे तो आप लोग देख सकते हैं कि बर्फ से बिल्कुल फुल हो रखा है और इसमें ना हेलीकॉप्टर भी जा रहा है ऊपर आसमान में, यानी केदार घाटी की तरफ हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। पहले हेलीकॉप्टर भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। चलिए जी अपना एक बार वो रजाई फोल्ड कर लेते हैं। मैंने सफाई तो की थी लेकिन रजाई फोल्ड नहीं की थी क्योंकि बाहर ठंडा है ना, उस वजह से मैंने सोचा कि क्या पता रजाई बारिश होगी तो रजाई के नीचे जाने के लिए होता। चलिए जी किचन में आ गई हूँ और मैंने अपने लिए चाय भी रख दिया है। मैंने बना रखी है हरी सब्जी और रोटी। चाय, हरी सब्जी और रोटी का आनंद लेते हैं एक बार। और आज सुबह से ही मौसम ऐसे बंद पैक हो चुका है कि क्या ही बताएं। और ऊपर की पहाड़ियों में तो खूब पैक हो रखा है, बादल लगे हुए हैं। साथ में हल्की सी धूप थी तो मैंने गेहूं भी डाल रखा है। साथ में मैंने अपने किचन गार्डन में ना आज ये भिंडी बोनी है, तो मैंने भिंडी को भिगो के रखा हुआ था तो मैंने अपने किचन गार्डन में आज उसको बोना है। चलिए तो उसको बोते हैं एक बार फटाफट से। तो दोस्तों अभी दिन के 12 बज रहे हैं और मैंने सुबह का सारा काम निपटाया। अपने किचन गार्डन में अपने सगड़े में भिंडी भी बोई और थोड़ा वहाँ पे खोदना था तो वो भी खोदा। और अब बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने सुबह में थोड़ी सी पी थी चाय और इसमें भी चाय पीने का मन है तो चाय पी लेती हूँ। और बाहर ऐसा मौसम है ना कि क्या ही बताएं, आज सुबह से ही मौसम ने ऐसे कर रखा दिया। और साथ में बन रही है मेरी दाल। दाल बना रही हूँ मैं, घर की दाल, घर की मोटी दाल बना रही हूँ। तो चलिए जी एक बार खाना बना लेते हैं और उसके बाद। तो मेरे पास दालचीनी का पत्ता भी है, इसको हम गढ़वाली में किखड़ू बोलते हैं। और आप लोगों के यहाँ किखड़ू बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? तो हम इसको किखड़ू और दालचीनी दोनों चीज बोलते हैं। और गढ़वाली में ज्यादा किखड़ू ही सब यूज करते हैं। इसको भी डाल देती हूँ दाल में ताकि मेरी दाल का जरा स्वाद अच्छा बने। और मैंने दाल ना 2 दिन के लिए बॉईल कर रखी है, और आज के लिए और कल के लिए 2 दिन के, क्योंकि मैंने चूल्हे पे ये प्रेशर रखा हुआ था ना तो इसमें दाल 2 दिन की बॉईल हो गई है। और कल ना कल स्कूल से आऊंगी, झट से दाल बनाऊंगी। और आप लोगों में से कौन कौन करते हैं ऐसे कि 2-2 दिन का दाल एक साथ बॉईल करते हैं? तो
तो फिलहाल तो मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है और एक बार गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। और जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन मेरा बार बार चाय पीने का मन करता है। और एक बार सोच रही थी मैं छोड़ दूं चाय, लेकिन छूट ही नहीं रही चाय। चाय की ऐसी गंदी आदत हो गई है कि क्या ही बताएं। तो चलिए जी, मेरा खाना भी बनकर तैयार हो गया है और मैंने इसमें हरी सब्जी है, हरी सब्जी अभी मैंने गर्म करने के लिए रखी हुई है, जो सुबह बनाई थी हरी सब्जी उसी से काम चला रही हूँ मैं। और चावल, और ये मिक्स दाल, घर की दाल है ये, और ये है आम का अचार। तो चलिए जी, एक बार स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मेरी अनीता की तैयारी फिर से हो गई है। आज हमने रस्सी भी रखी हुई है, थमाली, दथड़ी और ये पन्नी भी रखी हुई है। आज हम सब्जी भी लेंगे वहाँ से, है ना, मिलेगी तो दोनों के दोनों सब्जी भी लेंगे, और नहीं मिलेंगे तो नहीं लाएंगे। तो फिलहाल तो हम चलते हैं जंगल। और आजकल यहाँ पे बहुत कम बकरियां दिख रही हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो इनको बुग्याल नहीं भेजा होगा, तो इनके साथ के और सारे के सारे बुग्याल चले गए हैं। तो बाकी हम तो निकल पड़ते हैं, अनीता चली गई है। और आजकल इस कटीली झाड़ी पे आप लोग देख सकते हैं कितने व्हाइट व्हाइट फूल लगे हुए हैं, और पता नहीं इस झाड़ी का नाम क्या है, लेकिन इसमें बहुत सारे बारीक बारीक कांटे होते हैं। बाकी आजकल जंगल के रास्तों में या जहां भी देखो वहां सुनसान सा पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग तो चले गए हैं केदारनाथ। और अभी केदारनाथ की पहाड़ियों पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर खूब सारी बारिश हो रही है, और यानी केदार घाटी में अभी बर्फबारी हो रही होगी। और अनीता तो काटने लग गई है घास, अनीता ने ले जाना है घास, क्योंकि घास सबसे जरूरी हो जाता है हमारे यहाँ। अगर घास चारा पत्ती नहीं ले जाएंगे तो हो गया कि गाय को क्या देना।